Hi, I'm Kirti Panchmal from Engineers Classes. Let's continue with this exercise. Exercise 2.2, question number 2. Question number 2 says, find a quadratic polynomial, each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. Matlab, हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है जिसमें पहला जो पार्ट गिवन है इट इज सम ऑफ द जीरोस एंड जो सेकंड पार्ट है इट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. नाउ इन द लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से करना है. सो वी हैड दिस वन फॉर्मूला विच वॉज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, मतलब प्रोडक्ट सॉरी सम ऑफ जीरोस, sum of zeros plus alpha into beta, that is your product of zeros. हमने इसके पहले वाले exercise, sorry, इसके पहले वाले question में क्या किया था, तो हमें quadratic polynomial given था, हमने उसको factorize किए, हमने उसके zeros find किए और फिर हमने relation verify किया between zeros and coefficient. जो वो relation क्या था, alpha plus beta is equals to minus b by a and alpha into beta is c by a. इसमें हमें क्या given है, alpha plus beta is given, that is the first part is nothing but the sum of zeros, that is alpha plus beta is given and product of zeros is also given, alpha into beta is also given, then we have to form a quadratic polynomial. So this is how you form a quadratic polynomial. You have x square minus alpha plus beta x, मतलब alpha plus beta given है हमारे पहले question में क्या है 1 by 4 plus alpha into beta भी given है which is minus 1. Let's see. Question 1 says x square minus alpha plus beta. Alpha plus beta के place पे क्या है 1 by 4 into x plus है. But यहाँ पर क्या है minus. So minus 1. That's it. This is your answer. This is your quadratic polynomial. इसको अगर further simplify करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं कि 4 आप common ले सकते हो. I mean 4 आप LCM में ले सकते हो. तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 into 4 that is 4x square minus 1 into x that is minus x minus 1 into 4 that is 4 upon 4. और अगर आपको 4 को हटाना हो तो आप इसको equal to 0 कर सकते हो. So you'll be having 4x square minus x minus 4 is equals to 0. Basically ये तो क्या हुआ आपका polynomial. जब आप इसको equate to 0 करते हो तभी आपका वो quadratic equation होता है. हमें सिर्फ quadratic polynomial find करना है तो हमारा इसका answer क्या हुआ, 4x square minus x minus 4. That is this clear? Common mistake. क्या करते हैं बच्चे कि इसको अल्फा ले लेते और इसको बीटा कर ले लेते और ये बाद में इसको अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते और फिर अल्फा इसको बीटा करते. नहीं, राइट? नहीं, क्वेश्चन में बहुत क्लियरली गिवन है. आपको इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए. इट इज वेरी क्लियरली गिवन कि जो पहला पार्ट है इट इज सम ऑफ जीरोस एंड जो दूसरा पार्ट है इट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. इट इज नॉट गिवन कि ये अल्फा है ये बीटा है. ये पहला टू जीरोस ऐसा नहीं बोला है. ऐसा बोला है कि पहला सम ऑफ जीरोस है, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है. तो ये जो भी होगा वो अल्फा प्लस बीटा होगा, ये जो भी होगा वो अल्फा इनटू बीटा होगा. इज दिस क्लियर? लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एज यू कैन सी हियर आई हैव टेकन क्वेश्चन 1 3 एंड 5. मैं क्वेश्चन 1 3 5 यहां पे सॉल्व कर रही हूं. 2 4 6 आपको खुद करना है, आपको खुद से ट्राई करना है. मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन बताऊंगी. आपको ये खुद ट्राई करना है. पहले देख रहे हो यहाँ पर, पहले हम ये खत्म कर लेते हैं. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सेज यू हैव 0 एंड अंडर रूट 5, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज गिवन एज 0, अल्फा इनटू बीटा इज गिवन एज अंडर रूट 5. क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ये इक्वेशन में रख दो. यू हैव x स्क्वायर माइनस अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा सॉरी अल्फा प्लस बीटा, उसके प्लेस पे क्या है 0 इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा के प्लेस पे क्या है अंडर रूट 5. सो एक्स स्क्वायर माइनस 0 इनटू एनीथिंग इज योर 0, सो योर लेफ्ट विद ओनली प्लस 5 सॉरी प्लस अंडर रूट 5. दिस इज योर इक्वेशन, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. दैट्स इट. लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच इज अल्फा प्लस बीटा इज गिवन एज माइनस 1/4, alpha into beta is given as 1/4. Again, what you have to do, all you have to do is you have to keep in this x square minus alpha plus beta, that is minus 1/4 into x plus alpha into given alpha plus alpha into beta is given as 1/4. Done. Now, so you have x square minus minus will become plus, so you have plus 1/4 x
plus 1 by 4. Is this clear? Done. Now see, again, if you want, you can take the LCM. LCM lenge to kya hoga? 4x square plus x plus 1 upon 4 equal to 0. 4 into 0 idhar jayega to 0 ho jayega. So you are having 4x square plus x plus 1. This is your quadratic polynomial. I hope this is clear to you. First, whichever is given, it is sum of 0, that is alpha plus beta is given to you. Second is given as product of zeros, that is alpha into beta. You have to remember this. Ye formula yaad rakhna hai. Ye abhi se yaad kar lo. Abhi se mere saath bolo. Kya tha? X square minus sum of zeros, that is alpha plus beta, into x plus product of zeros, that is alpha into beta. Come again. X square minus alpha plus beta x plus alpha into beta. I hope this is clear to you. और ये common mistake बिल्कुल मत करना. ये पहला zero नहीं है, alpha plus beta given है, alpha into beta given है. I hope this is clear to you. If you like this video, please hit the like button, do share with your friends, and of course don't forget to subscribe the channel. Thank you.